गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉरियर एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एनडीए के पीवाईक्यू लेके आपके सामने हाजिर है। बच्चों, हमने ईयर बाय ईयर क्वेश्चन किए, यानी कि 2015 के किए, 16 के किए, 17 के किए, 18 के किए, और अब हम 19 के करेंगे, यानी कि 2019 के करेंगे। बच्चों, मैं आपको बार बार बोलते आ रहा हूं कि आप इन क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा करो और ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चनों के ऊपर प्रैक्टिस करो और ये देखो कि यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का दायरा क्या है, यानी कि वो ज्यादा क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है या किस क्वेश्चन से या कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछ रहा है। तो जब बच्चों हम इसके ऊपर जाते हैं तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न जरूर चेंज हो रहा है, यानी कि क्वेश्चन पूछने का तरीका, उनकी स्टेटमेंट चेंज हो रही है, लेकिन क्वेश्चन वहीं से पूछा जा रहा है जहां से पहले पूछा जा रहा था। जिस प्रकार अगर मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूं तो हम देखते हैं कि दादा भाई नारोजी से लेके हर साल लगभग क्वेश्चन पूछा गया है, या तो फर्स्ट में पूछ लिया या सेकंड में, या फिर 2015 में पूछा तो 2016 में नहीं पूछा, 2017 में फिर से पूछ लिया। तो इस प्रकार देखते हैं बच्चों की कोई खास पैटर्न है जहां से क्वेश्चन बार बार एनडीए का उठाया जा रहा है। तो हमें करना क्या है बच्चों, जो ये पीवाईक्यू हम कर रहे हैं, इनके सही क्वेश्चन के साथ हम गलत वाली स्टेटमेंट को जरूर करते हुए चले, ताकि हमें यह पता चल जाए कि भाई हो सकता है अगली बार जो हमने गलत स्टेटमेंट की थी उसी को सही करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो जिससे हम क्या कर पाएंगे, हम उन क्वेश्चन को आराम से आसानी से निकाल पाएंगे और हमारी मेहनत भी कम लगेगी। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं वापिस से, हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है क्या। ये बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन ऑफ अगस्त 15, 1857 स्ट्रेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशू। 25 अगस्त 1857 की आजमगढ़ उद्घोषणा ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर जोर दिया। भाई आजमगढ़ घोषणा की बात हो रही है और ये क्वेश्चन कहां से रिलेटेड है, एनडीए 2019 फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, और 2019 के फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अब देखते हैं, हम हिंदू मुस्लिम डिवाइड, बच्चों बिल्कुल गलत है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात किसने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने, मुस्लिम लीग ने आगे चल के बात की इसकी, और ये भी बात कब करते हैं तो 1930 के बाद ये बात आती है। तो ये क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है, 1857 से पहले पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल गलत है। अब देखो, स्पोर्ट टू द इंग्लिश गवर्नमेंट, बच्चों इंग्लिश गवर्नमेंट को तो सपोर्ट कर ही नहीं रहे थे, और अगर इंग्लिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करते तो 1857 की क्रांति क्यों होती, फिर देश को आजादी की क्या जरूरत थी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी क्या रहेगी, गलत रहेगी। अब द रिटर्न ऑफ द बादशाही, भाई बादशाह को दोबारा से मुगल बादशाह के वंशज होते थे उनको बादशाही लौटाई जाए, एक बार इसके इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं हम। द इम्पोजिशन ऑफ द हैवी जुम्बास, भाई देखो भारी जुर्माना लगाना, एक्चुअल में रेवेन्यू डिमांड की बात यहां पे होती है, जुम्बास का मतलब होता है रेवेन्यू डिमांड, और भारी जुर्माना लगाना या राजस्व की मांग, क्या ये थी आजमगढ़ उद्घोषणा, तो बच्चों ये भी पूरी तरह गलत रहेगा। तो हमारी राइट स्टेटमेंट क्या थी, द रिटर्न ऑफ द बादशाही, कि बादशाह को दोबारा से बनाया जाए और भारत का सर्वोच्च लीडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वॉइसरॉय नहीं होगा, गवर्नर जनरल नहीं होगा, हमारा सर्वोच्च लीडर कौन होगा, बादशाह होगा। तो बच्चों सी स्टेटमेंट यहां पे हमें राइट दिखाई देती है। इसके बाद दोबारा से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों हम, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी एनडीए 2019 सेकंड का क्वेश्चन है, यानी कि 2019 के सेकंड का क्वेश्चन ये हमें दिखाई देता है, और 2019 के सेकंड का क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं, विच वॉइसरॉय हैड मेड द ऑब्जर्वेशन इट इज ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड इफ इट वाज नॉट फॉर गांधी। सिंपल सा, किस वॉइसरॉय ने टिप्पणी की थी कि अगर यह गांधी के लिए नहीं होता तो यह एक सुंदर दुनिया है, इससे अच्छी दुनिया हो ही नहीं सकती, ये कौन से वॉइसरॉय ने उनके ऊपर टिप्पणी की थी। अब बच्चों इसकी हम बात करते हैं कि ये कौन से वॉइसरॉय ने टिप्पणी की थी, तो लॉर्ड इरविन ने तो ऐसी टिप्पणी नहीं की थी, क्योंकि लॉर्ड इरविन जब भारत में होता है बच्चों तो यहां पे कौन सा मूवमेंट था, दांडी मार्च या सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट चल रहा था गांधी जी का,
और गांधी जी का लॉर्ड इरविन के साथ पैक्ट भी हुआ और इसकी वजह से गांधी जी को कुछ लोग गालियां भी देते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे से नहीं बचाया। तो बच्चों फास्ट लॉर्ड इरविन तो पूरी तरह गलत रहेगा। इसके बाद सेकंड को छोड़ दो एक बार आप, लॉर्ड माउंटबेटन। भाई लॉर्ड माउंटबेटन तो जब भारत आजाद हो रहा था तो अंतिम वॉइसरॉय है ब्रिटिशर के, तो इन्होंने भी ये टिप्पणी नहीं की। इसके बाद लॉर्ड विलिंगडन, इन्होंने भी ये टिप्पणी नहीं की। बच्चों एक ही आंसर बचता है, लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल ने ये टिप्पणी की बच्चों कि अगर गांधी के लिए नहीं होता तो यह एक सुंदर दुनिया होती। तो बच्चों हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, लॉर्ड वेवेल रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 फास्ट से रिलेटेड है, एनडीए 2019 फास्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमें दिखाई देता है और इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विच इंडियन बिजनेसमैन फेवरेट हेल्थ कैपिटलिज्म इन हेल्पिंग गांधी जी टू वर्क टूवर्ड ए कॉमन ऑब्जेक्ट। किस भारतीय व्यवसायी ने गांधी जी को एक सामान्य उद्देश्य की दिशा में काम करने में मदद करने के लिए स्वस्थ पूंजीवाद का समर्थन किया। सिंपल सा, घनश्याम दास बिड़ला। और यही वो घनश्याम दास बिड़ला है जिन्होंने साबरमती आश्रम के लिए सबसे ज्यादा दान दिया, सबसे ज्यादा पैसा दिया। अंबालाल साराभाई भी उस समय थे, लेकिन अंबालाल साराभाई स्वस्थ यानी कि हेल्दी कैपिटलिज्म के बारे में बात नहीं कर रहे थे। सर बीरेन मुखर्जी ये भी नहीं थे। टीटी के कृष्णमाचारी ये भी बच्चों नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो आपको यहां पे क्या राइट आंसर मिल रहा है, घनश्याम दास बिड़ला यहां पे राइट आंसर मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरियन हैव डिस्क्राइब्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट एज ए स्पोंटेनियस रिवोल्यूशन। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को सहज क्रांति के रूप में वर्णन किया, सहज क्रांति। और ये बच्चों किससे रिलेटेड है, तो एनडीए 2019 फास्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमें दिखाई देता है, एनडीए 2019 से रिलेटेड। अब देखो गॉर्डन जॉनसन, गलत बच्चों, पूरी तरह गलत है, इन्होंने इसको सहज क्रांति नहीं बोला। इसके बाद डेविड आर्नोल्ड, ये भी बच्चों गलत आंसर है। एफ जी हाइचिंस, ये बच्चों राइट आंसर है। पीटर रोक, ये भी गलत आंसर है। इन्होंने क्यों बोला बच्चों, एफ जी हाइचिंस ने मतलब भारत छोड़ो आंदोलन को सहज क्रांति के रूप में वर्णित क्यों किया, क्योंकि उस समय बच्चों जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय ब्रिटेन की हार हो रही थी और जापानीज हमारे अंडमान निकोबार पे कंट्रोल कर चुके थे। और उसके बाद जापानीज का डर था कि वो बर्मा के बाद यानी कि म्यांमार के बाद भारतीय बॉर्डर में एंट्री करेंगे और भारत की ओर बढ़ेंगे, जिससे ब्रिटेन की हार लगभग तय थी कि ब्रिटेन हार जाएगा और भारत का कंट्रोल जापानियों के हाथ में चला जाएगा। जिसकी वजह से एफ जे हाइचिंस ने यह बात बोली कि भारत छोड़ो आंदोलन है वो सहज क्रांति यानी कि ऐसी क्रांति होनी ही चाहिए थी। क्यों, रीजन ये था कि जापानियों का डर था भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 5 की जब हम बात करते हैं, द कराची रिजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस इन 1931 एडवोकेटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशू। एनडीए 2019 के फास्ट का क्वेश्चन है बच्चों, 2019 के फास्ट का क्वेश्चन हमें ये दिखाई देता है। सेकंड स्टेटमेंट इसमें दी गई, स्टेट शैल नॉट ओवन और कंट्रोल के इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। सेकंड, स्टेट शैल हैंड ओवर द के इंडस्ट्रीज एंड सर्विस टू द इंडियन बिजनेस ग्रुप। और थर्ड दी गई, स्टेट शुड अलाउ द इंडियन बिजनेस ग्रुप टू इन्वेस्ट 50% ऑफ द कैपिटल। और फोर्थ दी गई, स्टेट शैल ओवन और कंट्रोल के इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। बच्चों राइट अगर स्टेटमेंट की बात की जाए तो राइट स्टेटमेंट तो हमारी है इसमें 4। क्यों है, इसके पीछे बात करते हैं। देखो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि कराची अधिवेशन जो था उसमें किस मुद्दे का समर्थन हुआ था, किस बात के ऊपर किस मुद्दे का समर्थन किया गया था कराची अधिवेशन में। तो राज्य प्रमुख उद्योगों और सेवाओं का स्वामित्व या नियंत्रण नहीं करेगा, गलत था बच्चों।
भाई राज्य के अकॉर्डिंग ही सारी सेवाएं होगी। ये स्टेटमेंट गलत थी, मैंने आपको बताया था नहीं है। राज्य प्रमुख उद्योगों और सेवाओं को भारतीय व्यापार समूह को सौंप देगा, बिल्कुल गलत। क्यों सौंप देगा यार, पुलिस प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रशासन है, यूपीएससी है, आईएएस है, आईपीएस है, या भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है उनको थोड़ी ना सौंपा जा सकता है। तो पूरी तरह सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। राज्य को भारतीय व्यापार समूह को पूंजी का 50% निवेश करने की अनुमति देनी चाहिए, बिल्कुल गलत, ये भी नहीं है। चौथा, राज्य प्रमुख उद्योगों और सेवाओं का स्वामित्व या नियंत्रण करेगा, राइट आंसर बच्चों। राज्य क्या करेगा, कंट्रोल रखेगा कि भाई जो समाज में व्यापार ट्रेड इकोनॉमी जो चल रही है वो कंट्रोलिड है या नहीं है। यानी कि इस प्रकार अगर इनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया तो बच्चों ये ऐसे काम भी कर सकते हैं जिस प्रकार कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो वो ड्रग्स बना के मार्केट में उतार सकती है, और अगर स्टेट का कंट्रोल नहीं होगा तो ड्रग्स आम हो जाएगा मार्केट के अंदर, तो इसकी वजह से क्या होगा, लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए स्टेट क्या करेगा, इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करेगा कि उन्हें क्या काम करना है क्या नहीं करना या फिर कैसे काम करना है। बट कैपिटलिस्ट में छूट तो होती है इंडस्ट्री को कि उसे कितना पैदा करना है, लेकिन उसे ये छूट नहीं होती कि जो प्रोडक्ट मानकों पे खरा नहीं उतरता इंडस्ट्री उस प्रोडक्ट का भी प्रोडक्शन कर सकती है। तो जो फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा बच्चों, उसका राइट आंसर डी रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। इन द मनुस्मृति विच फ्रॉम द मैरिज रिजल्ट फ्रॉम द वॉलंटरी यूनियन ऑफ ए मैदान एंड हर लवर, मनुस्मृति में विवाह का कौन सा रूप एक युवती और उसके प्रेमी के स्वैच्छिक मिलन से उत्पन्न होता है। अब देखो भाई क्वेश्चन कहाँ गए, एनडीए 2019 फास्ट का 18 फॉर्म बिल्कुल गलत, फिफ्थ फॉर्म बिल्कुल गलत, एट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म बिल्कुल गलत, सेवंथ फॉर्म बिल्कुल गलत, सिक्स फॉर्म बिल्कुल राइट आंसर। यानी कि मनुस्मृति में युवती और युवक के स्वैच्छिक मिलन से उत्पन्न होता है विवाह का कौन सा रूप, तो आपको बोला सिक्स फॉर्म, ये राइट आंसर है। और ये बच्चों कहाँ का क्वेश्चन है, तो एंशियंट हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ मिडाइवल और एंशियंट हिस्ट्री को भी आपको क्या करना है, कवर करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट डे फिर हम 2019 की सेकंड के को लेके मिलेंगे, यानी कि 2019 की सेकंड पीवाईक्यू की के और पीवाईक्यू में क्या पूछा गया है।